हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में सिस्टम रिकवरी पढ़ रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे थे। उसमें हमने BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद हम डेटा रिकवरी में पहुँचे थे और सिस्टम रिकवरी में अब पढ़ रहे थे। तो सिस्टम रिकवरी में हम सिस्टम की रिकवरी करेंगे स्पेशलाइज। वैसे अगर जिस समय डिज़ास्टर रिकवरी होती है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाया जाता है, तो उस समय सिस्टम भी रिकवर करना है, डेटा भी रिकवर करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग चैप्टर किए गए हैं। डेटा रिकवरी के लिए अलग चैप्टर किया गया, रिस्क असेसमेंट के लिए अलग चैप्टर किया गया, और आपका सिस्टम रिकवरी के लिए अलग अलग चैप्टर किया गया है। तो हम पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और कंटिजेंसी कंसिडरेशन पढ़ लिया था सिस्टम की रिकवरी के लिए। फिर उसके बाद हम आए थे स्ट्रेटजीज फॉर सेंट्रलाइज सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि कौन सी स्ट्रेटजी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की, कौन सी स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। यानी कि सिस्टम, अगर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हम कर रहे हैं और यह डिज़ास्टर हो गया है और सिस्टम की रिकवरी करनी है, तो उस कौन सी स्ट्रेटेजी हम सेंट्रलाइज सिस्टम में लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम मिरर साइट्स या एक्टिव रिकवरी साइट्स पढ़ी थी, और हमने ये जाना था मिरर साइट्स मिरर होती हैं, मतलब यानी कि आइडेंटिकल डेटा सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं दो अलग जगह पर, प्रेफरेबली दो डिफरेंट शहर पर, जो एक सब्सटेंशियल दूरी पर हों, ताकि अगर एक साइट में कोई प्रॉब्लम आ गई और अगर एक साइट में कोई डिज़ास्टर आ गया, दूसरी साइट काम कर सके और काम न रुके। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मिरर साइट में है, दोनों आइडेंटिकल डेटा सेंटर्स होंगे। यानी जो डेटा, अगर मान लिया सपोज आपका डेटा सेंटर दिल्ली में है, वही डेटा जो है बॉम्बे के डेटा सेंटर में होगा, मतलब डेटा आइडेंटिकल होंगे और दोनों एक साथ रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। हमने ये जाना था कि ये कॉस्टली है और इसमें रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और रिडंडेंसी होगी, परफेक्ट रेप्लिका होता है दूसरा डेटा सेंटर पहले डेटा सेंटर का। इसके बाद हम पढ़ने लगे थे हॉट साइट, वार्म साइट एंड कोल्ड साइट। हॉट साइट हॉट साइट है, वार्म साइट हॉट साइट से थोड़ा ठंडी है, और कोल्ड साइट तो कोल्ड साइट है। कहने का मतलब यह है कि जो हॉट साइट है वो पूरी तरह इक्विप्ड है IT ऑपरेशन ऑपरेटिंग फैसिलिटी से। अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो आप क्या करोगे, डेटा जो है, अगर हॉट साइट है, एक पर्टिकुलर हॉट साइट है, सपोज थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपका गुड़गांव में एक कंपनी है, और आपने उसका दूसरी ऑफिस है, दूसरे ब्रांच है, या दूसरा कंपनी का दूसरा ऑफिस है आपका मानेसर में। अब आपने मानेसर में एक ऑफिस बनाया और गुड़गांव में एक ऑफिस बनाया। गुड़गांव में आपका कॉल सेंटर है और वो चल रहा है, मानेसर में क्या है, आपकी हॉट साइट है। वहाँ ऑफिस तो है ही है, लेकिन हॉट साइट है। वहाँ पर आपने क्या डाला है, वहाँ पर आपने क्या किया है कि मानेसर वाले ऑफिस में कंपनी का बैक ऑफिस रख लिया है, या ऐसी एक्टिविटीज़ रख ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर गुड़गांव के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इंस्टेंटली मानेसर का ऑफिस अप एंड रनिंग हो जाता है। मानेसर के ऑफिस में आपने एक सपोज डेटा सेंटर भी रखा हुआ है, तो मानेसर का ऑफिस एक हॉट साइट कहलाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, AC है, क्या कहते हैं, लाइटिंग है, पावर है, आपकी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स बस चलने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर मान लिया सपोज कोई डिज़ास्टर हुआ, तो आपने गाड़ी उठाई आपके गुड़गांव से और मानेसर पहुँचे रिसोर्सेज को लेकर, और उन्होंने वहाँ पर काम करना चालू कर दिया। मतलब अगर मान लिया डिज़ास्टर हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, तो विद इन हाफ एन आवर सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाएगा, जो क्रिटिकल सिस्टम से अप एंड रनिंग हो जाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में हमने ये जाना कि क्रिटिकल सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाने चाहिए। जैसे ही डिज़ास्टर स्ट्रक करे, जो क्रिटिकल सिस्टम है वो फटाफट चालू हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जेनपैक में काम करा करता, तो जेनपैक में क्या है, हमारा ऑफिस हुआ करता था, तो ऑफिस से कुछ दूर पर उनका दूसरा ऑफिस था, वहाँ पर कंप्यूटर्स लगे रहते थे, और हम क्या करते थे, महीने में एक बार जाके देखा करते थे, चेक किया करते थे उन कंप्यूटर्स को, और देखा करते थे कंप्यूटर्स अप एंड रनिंग है कि नहीं है, इसमें डेटा अवेलेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम वहाँ जाकर काम करने की कोशिश करते थे और देखते थे कि हम काम कर पा रहे हैं। तो साइट जो मेन साइट है, वहाँ से दूसरी साइट में जाकर हम काम करते थे, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे रहते थे।
और कुछ कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे थे और बहुत सारे कंप्यूटर्स नॉन यूजेबल थे, पुराने कंप्यूटर्स वहाँ पर रखे हुए थे, जो ऑब्सोलीट कंप्यूटर्स हो जाते थे वहाँ पर रख दिए जाते थे, ताकि अगर कहीं हमारी साइट में कोई प्रॉब्लम हो तो अप एंड रनिंग दूसरी साइट मिले। तो हॉट साइट हॉट होती है, यानी कि वहाँ पर रिसोर्स को जाना और काम शुरू करना है, वो फुल्ली इक्विप्ड आईटी ऑपरेशंस फैसिलिटी होती है और उसके पास कंपेटेबल हार्डवेयर होता है। कहने का मतलब यह है कि हॉट साइट्स दो तरीके से हो सकती है, आपकी कंपनी के पास हॉट साइट है या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी हॉट साइट प्रोवाइड करते हैं। आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जेनपैक्ट HCL जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि दूसरी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल HCL है, वो क्या करेगी, HCL जेनपैक्ट नहीं है, आप कोई छोटी कंपनी है सपोज, तो वो छोटी कंपनी क्या करेगी कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, आउटसोर्स कर लेगी। अब उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सपोज वो पांच दूसरी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जैसे ही कोई डिजास्टर स्ट्रक हुआ किसी एक कंपनी का, तो ये कंपनी के बंदे गए और वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने डेटा को फटाफट, उतनी देर में डेटा पहुँच जाएगा, बैंडविड्थ लाइन होंगी दोनों कंपनीज में के बीच में, और डेटा पहुँच जाएगा और आदमी के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अप एंड रनिंग होगा, आदमी काम करना चालू होंगे, सपोर्ट सर्विसेज देना चालू कर हो जाएंगे। तो हॉट साइट ऐसी, मतलब उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होती कि वो कोई भी एप्लीकेशन जो पहले आप रन कर रहे थे वो रन कर सके, कॉम्पेटेबल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें। तो यानी कि डिजास्टर जैसे ही डिक्लेयर हुआ, अफेक्टेड कंपनी बैकअप मीडिया या तो बैकअप मीडिया भेज देगी। अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए एक कंपनी है गुड़गांव में है और उसकी जो हॉट साइट है उस कंपनी की आउटसोर्स दिल्ली में है या नोएडा में है या मानेसर में है, तो साइट ए यानी जो गुड़गांव में है वहाँ पर जैसे ही डिजास्टर हुआ, कंपनी अपने एम्प्लॉई को इकट्ठा करेगी, बैकअप मीडिया लेगी और उनके साथ चल देगी, या ऑन साइट टेप वॉल्स होंगे, अगर कंपनी उन्हीं की कंपनी है तो वहाँ पर ऑन साइट टेप वॉल्स हो सकते हैं या रिमोट मिररिंग हो सकती है। अगर जेनपैक जैसी कंपनी है तो उसमें रिमोट मिररिंग की फैसिलिटी होती है कि डेटा सेंटर रेप्लिकेट होता है आपका डेटा दूसरी साइट्स में, आपको पूरा डेटा बैकअप बैकडअप डेटा मिलेगा, डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर मान लिया सपोज नहीं अवेलेबल है, तो अगर वही आपकी कंपनी का ऑफिस नहीं है, दूसरे आउटसोर्सिंग है, तो आउटसोर्स में क्या होता है कि आप डेटा भेजोगे, उसके लिए पर्टिकुलर लाइन होगी, हाई बैंडविड्थ लाइन होगी जिसमें डेटा जा रहा होगा, तो डेटा दूसरी कंपनी में जाएगा और वहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसमें डेटा जाएगा, आपके बंदे जाएंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल एप्लीकेशन को कॉन्स्टेंटली लोड किया जाता है और टेस्ट किया जाता है, मतलब कॉन्स्टेंटली आप महीने महीने जाओगे और क्रिटिकल एप्लीकेशंस को लोड करके टेस्ट करोगे कि भाई सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, जो हॉट साइट है उसमें। तो यानी कि एक मेन साइट होगी, एक हॉट साइट होगी। हॉट साइट में, हॉट साइट की डेफिनेशन आप अगर जानना चाहते हो, कहीं पर ऐसी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन यह है कि हॉट साइट जो है वहाँ पर रिसोर्स के पहुँचने की देरी है, अप एंड रनिंग होगी वो हॉट साइट, ये हॉट साइट होती है। अगर हॉट साइट में कोई स्पेशलाइज इक्विपमेंट यूज़ करना है तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान ली आउटसोर्सिंग कंपनी है तो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है तो वो अवेलेबल कराएगी, दो एक कॉस्ट लेगी उसका, लेकिन वो उसको अवेलेबल कराना है तभी वो हॉट साइट होगी। इसके बाद कोल्ड साइट पढ़ लेते हैं। कोल्ड साइट क्या होती है? सेल साइट होती है। तो इसमें क्या है कि एक आपको एक तरह से एक बिल्डिंग होगी और कुछ नहीं होगी, शेल होगा मतलब बिल्डिंग का। उसमें ये भी हो सकता है कि एसी ना हो, पावर ना हो, कम्युनिकेशन लाइंस ना हो, बस एक बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो। तो अगर मान लिया सपोज अगर आपके वहाँ डिज़ास्टर हो गया और कोल्ड साइट में जाना है, तो आपको सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन लाइंस लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेस्टोरेशन जो है, जब तक रिप्लेसमेंट हार्डवेयर नहीं आ जाएगा, पावर लाइन अप एंड रनिंग नहीं होंगी, तब तक रेस्टोरेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो कोल्ड साइट जो है उसमें रिकवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है,
तो कहने का मतलब ये है कि कोल्ड साइट में ये होता है कि आपको शेल फिजिकल कैपेबिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है, आपको ये नहीं होता है कि भाई अगर मान लिया डिज़ास्टर स्ट्रक हो गया तो कहाँ पर सिस्टम को ले जाया जाएगा। आपको एक जगह आपके पास अवेलेबल होती है जहाँ पर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी की जो है ऐसी साइट्स जहाँ पर ट्रेनिंग, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर हल्का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है या कंपनी के गोडाउन्स के लिए यूज़ हो रहा है या पर्टिकुलरली आपके कंपनी का प्रोडक्शन सेंटर है, नहीं सॉरी आपका बैकअप सेंटर है या ऑफ साइट स्टोरेज हो रही है, तो ऐसी जगह को कोल्ड साइट डेजिग्नेट कर दिया जाता है। मतलब अगर आप कई बार आउटसोर्स कोल्ड साइट्स भी होती हैं, मोबाइल कोल्ड साइट्स भी होती हैं, लेकिन बेसिकली जनरली क्या होता है मोबाइल कोल्ड साइट्स में क्या होता है कि कोल्ड साइट्स होती है और वो व्हीकल में माउंटेड होती है कोल्ड साइट्स, तो कस्टमर की लोकेशन में मूव की जा सकती है। अगर कस्टमर डिज़ास्टर के टाइम पर अपने पास चाह रहा है कोल्ड साइट में और वो चाह रहा है कि अपन सिस्टम को देखना चाह रहा है, सिस्टम को मॉनिटर करना चाह रहा है, तो आपके आप एक व्हीकल होगी, व्हीकल कस्टमर के एरिया में चली जाएगी, कस्टमर के ऑफिस के पास चली जाएगी। तो बेसिकली कोल्ड साइट जो है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, अगर डिज़ास्टर हो जाएगा तो बड़ी कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि एट द अर्लीस्ट आपको कंप्यूटर्स मंगाने पड़ेंगे, एसी मंगाने पड़ेंगे, पावर अप एंड रनिंग करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि एक कंपनी है, सॉरी एक बिल्डिंग है जिसमें जिसमें बिल्डिंग में दीवारें हैं लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। कई बार क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स होंगी लेकिन कई बार इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स भी नहीं होंगी, पावर कॉन्ड्यूट्स कई बार होंगे और पावर कॉन्ड्यूट्स कई बार नहीं होंगे। तो कोल्ड साइट जो है शेल साइट कहा जाता है, और कोल्ड साइट्स आउटसोर्स भी होती है, लेकिन आउटसोर्स होगी तो उसके उतने ज़्यादा फायदे नहीं होते हैं। आपको वहाँ जाओगे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल करा देगा, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराने के बाद आपको पूरा का सारा सिस्टम, उसके लिए आपको कंप्यूटर्स मंगाने पड़ेंगे, हार्डवेयर मंगाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर मंगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और सारी उसके बाद फिर जो कोल्ड साइट है अप एंड रनिंग होगी। वार्म साइट हॉट साइट और कोल्ड साइट के बीच की होती है। वार्म साइट में आपकी फ्लोरिंग होगी, एयर कंडीशनिंग होगी, कम्युनिकेशन लिंक होंगी, और ऐसे आइटम होंगे जो मिलने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उसमें जो मेन फ्रेम्स हैं, मेन कंप्यूटर सिस्टम है, वो अवेलेबल नहीं होंगे। कई बार क्या है, लेस पावरफुल कंप्यूटर्स लगे होंगे। वार्म साइट में ये है कि वार्म साइट जो होती है उसमें ये होता है कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं अवेलेबल होने की, वो अवेलेबल नहीं होती हैं, वहाँ पर नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें वो अवेलेबल होती हैं, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब आपको क्या है कि कोई इक्विपमेंट है वो डिफ़िकल्टी से आपको मिलेगा, तो वो भी अवेलेबल होता है। होता क्या है कि वो वार्म साइट में क्या होता है कि आदमी के पास, जो कंपनी के पास जैसे जैसे इक्विपमेंट्स पुराने होते जाते हैं वो वार्म साइट में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। अगर स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो पुराना हो गया, वार्म साइट में डाल दो। आप डिज़ास्टर स्ट्रक किया तो आप वार्म साइट में पहुँचे और आपने जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं मार्केट से ले आए और वहाँ पर वार्म साइट में रखा और काम करना चालू किया, जो इजी अवेलेबल चीज़ें हैं वो ले आए, मार्केट से ले आए, बाकी सारी चीज़ें वार्म साइट में हैं। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं वो पुराने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। एसी हैं, एसी ऐसे हैं कि जो चल रहे हैं, ठीक है, एक लेवल तक पुरानी एसीज हो गए हैं और उतने एफिशिएंट नहीं हैं लेकिन कुछ समय तक काम कर सकते हैं, वो आपने वहाँ पर भेज दी और उनको आप मेंटेन कर रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो वार्म साइट जो होती है वो हॉट साइट से ज़्यादा टाइम लगाती है। तो कहने का मतलब तीन टाइप की साइट्स होंगी, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट। मोबाइल साइट्स भी होती हैं, लेकिन अभी हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट को देख लेते हैं। हॉट साइट में क्या है, अप सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाएगा इंस्टेंटली, रिसोर्सेज को वहाँ पर जाना है, डेटा लेकर वहाँ जाना है, और कई बार डेटा ले जाना भी नहीं है, डेटा आप ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर आप चाहते हो कि
एक दूसरा दूसरी जगह पर आज जब भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। हॉट साइट्स में, हॉट साइट्स थोड़ा कॉस्टली पड़ती हैं मेंटेन करने के लिए। वार्म साइट्स जो है उसमें वो थोड़ा सा सस्ती पड़ती हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें सारे ज़रूरी के इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन जितने जो भी इक्विपमेंट्स डिफ़िकल्टी से मिलते हैं वो होते हैं। और कोल्ड साइट्स में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको एसी भी लगाना है, उसमें आपको लाइन भी लगानी पड़ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, उसमें पावर कनेक्शंस भी लेना पड़ सकता है, कई बार पावर कनेक्शन हो सकता है वहाँ पर, उसको फिर आपको पावर देनी पड़ती है, उसके बाद क्या है कि आप कंप्यूटर इंस्टॉल करोगे, हार्डवेयर लेकर आओगे, सॉफ्टवेयर लेकर आओगे, डेटा लेकर आओगे, बैकअप्स लेकर आओगे, सारी चीज़ लेकर आके आपको रखना पड़ेगा। आपके पास बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब प्रॉब्लम हो गई तो आपको ये पता है कि वहाँ पर मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। अगर कहीं कोई डिज़ास्टर हो गया तो आप सबसे पहले क्या होता है, जब डिज़ास्टर होता है आप जगह ढूंढते हो कहाँ जाऊँ। तो डिज़ास्टर अगर हुआ और आप के दिमाग में आया कहाँ जाऊँ, वो जगह अवेलेबल आपके पास है तो वो जगह कोल्ड साइट हो गई। आप वहाँ पहुँचे और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, अब आपने उस टाइट साइट को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो घर हैं, आप एक घर में रहते हो, दूसरा घर पड़ा हुआ है, पहले घर में आपकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, दूसरा घर आपने खरीद कर रखा हुआ है, अभी ना आपको जाने का मन है, ना आप कभी देखने जाते हो, नॉर्मली कभी चले गए तो चले गए 6-8 महीने में एक बार। अब आपके पहले घर में कोई डिज़ास्टर हो गया, आप गए थे बाहर, आप आए, आपने देखा बिल्डिंग में तो बम फट गया या कुछ हो गया, आप उस बिल्डिंग में नहीं जा सकते हो, तो सबसे पहले आप दूसरी साइट में जाओगे, दूसरे घर में जाओगे, वो कोल्ड साइट हुई, वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि आपने दूसरे वाला घर में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, एसी रखा हुआ है, सारी चीज़ें, आप दूसरे घर में जाते हो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें नहीं है, आपका मेन कंप्यूटर नहीं है, आपकी बुक्स नहीं है, आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो नहीं है। तो आप क्या करते हो, सपोज़ आपके टूथपेस्ट, टूथब्रश, कपड़े, ये सारी चीज़ें नहीं है, आप मार्केट में जाते हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े परचेज़ करते हो, और उसके बाद जो आपका दूसरा रेजिडेंशियल हाउस है उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हो। पहले वाले की रिकवरी होगी, जब होगी तब होगी। हॉट साइट ये है कि आप हर चीज़ का रेप्लिका रख रहे हो दूसरी जगह पर, आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ इस घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, इस घर में कोई, तो आप दूसरा घर अवेलेबल है, आप जाओगे तो वहाँ कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये है हॉट साइट, वार्म साइट एंड कूल साइट। एक पैरेलल है, अगर मान लिया सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर मान लिया सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनीज हैं, वाटिका या दूसरी कंपनीज हैं, अगर वो लीज में अगर बिल्डिंग को देती हैं तो वो हॉट्स वार्म शेल देती हैं या कोल्ड शेल देती हैं। कोल्ड शेल होगा तो खाली बिल्डिंग का भारी हिस्सा होगा, बिल्डिंग का खांचा होगा, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, केवल दीवारें होंगी। अगर वार्म शेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही होगी, वायरिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो तीन चीज़ें, हॉट साइट, वार्म साइट एंड कूल साइट। उसके अलावा एक चीज़ है मोबाइल साइट्स। मोबाइल साइट्स सेल्फ कंटेन्ड होती हैं, ट्रांसपोर्टेबल शेल्स होते हैं, उसमें वो कस्टम फिटेड होते हैं टेलीकम्युनिकेशन और आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें कस्टम फिटेड आईटी इक्विपमेंट्स और स्पेसिफिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक व्हीकल होगी, व्हीकल के पीछे जैसे फॉर एग्जांपल कई मूवीज़ में आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रामा कंपनी है, ड्रामा कंपनी क्या करती है, गाड़ी जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो उनका प्ले ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करती है, सारे का सारा सामान उठाती है और एक गाड़ी में डालती है और फिर गाड़ी को आगे ले जाती थी। तो गाड़ी के पीछे एक बड़ी सी ट्रॉली टाइप होती है या बड़ी सा जिसमें कि सारा का सारा सामान होता है, तो ऐसे ही मोबाइल साइट्स में होता है, आगे गाड़ी होती है और पीछे आपका ट्रैक्टर ट्रॉलर वगैरह लगा होता है,
और क्लोज ट्रैक्टर ट्रॉलर होता है, और उसमें क्या है कि आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं, कस्टम फिटेड आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो मोबाइल साइट बेसिकली सेल्फ कंटेन्ड ट्रांसपोर्टेबल शेल है, जिसमें कि स्पेसिफिक टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आईटी इक्विपमेंट्स कस्टम फिटेड रहते हैं। और ये जो है बेसिकली क्या है, साइट कहाँ पर होती है, ट्रैक्टर ट्रेलर में होती है, और इसमें क्या है कि सारी चीज़ें होती हैं और ये मूवेबल होती है, तो ये किसी भी साइट में आप ले जा सकते हो, इसे किसी भी जगह पर आप इसे ले जा सकते हो। तो जनरली क्या होता है, ये आउटसोर्स होती हैं, वेंडर के साथ आपका एसएलए होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टी सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइंड होता है। और ये ज़रूरी है क्योंकि जो टाइम चाहिए मोबाइल साइट्स को कॉन्फिगर करने के लिए वो अगर एसएलए नहीं है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स नहीं है, तो उस समय प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डिज़ास्टर हुआ, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स नहीं है, तो जो वेंडर है वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सारी सर्विसेज देनी है। तो वेंडर को पता हो कि क्या सर्विसेज उसे देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एसएलएस बनाए जाते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। तो अगर कोई प्रायर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि डाउन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जितना अलाउेबल डाउन टाइम है उससे ज़्यादा का डाउन टाइम हो जाएगा और बिजनेस को नुकसान होगा। तो मोबाइल साइट्स का कॉन्सेप्ट जो है मिलिट्री से आया, पर्टिकुलरली जो है रशियंस मिसाइल्स यूज़ किया करते थे, और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती थी और उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते थे, तो वो क्या करते थे, उन वॉरहेड्स को मोबाइल सिस्टम्स में लगाए रहते थे, मोबाइल फिटेड रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते थे, ताकि अमेरिका को ये पता न चले, यूएसए को ये पता न चले कि वो मिसाइल्स कहाँ पर हैं, अगर हमला हो जाए तो वो मूवमेंट में हो, कहीं पर भी मूव किए जा सकें। तो वहाँ से ये मोबाइल साइट्स आई। तो हॉट साइट्स अप एंड रनिंग होने के लिए अवेलेबल है, और सारी चीज़ें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, एसी, पावर, कंप्यूटर्स, सारी चीज़ें, आपको रिसोर्सेज को ले जाना है और वहाँ पर डेटा ले जाना है। वार्म साइट्स, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं लेकिन जो ईज़िली अवेलेबल इक्विपमेंट है वो नहीं है, वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल इक्विपमेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, पावर लाइन्स हैं, उसको अप एंड रनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोल्ड साइट्स, वहाँ पर ना एसी है ना कुछ है, केवल बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोबाइल साइट्स ट्रैक्टर ट्रॉलर है, उसके आगे आपका व्हीकल है और वो व्हीकल मूव कर रही है, किसी भी जगह पर मूव कर सकती है। इसके अलावा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अगर मान लिया सपोज दो कंपनी है और उन्होंने रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर तेरे को प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे वहाँ काम करना स्टार्ट कर देना, मैं अपना अपनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दूंगा। मेरे ऐसा होता है कंपनी में जो नॉन क्रिटिकल जॉब्स हैं वो बोलते हैं कि इन नॉन क्रिटिकल जॉब्स को मैं क्लोज करवा के तुम अपना काम कर सकते हो, मतलब क्रिटिकल वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें दो कंपनी इन्वॉल्व होती हैं, दो कंपनी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो पर्टिकुलरली एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार होती हैं। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता नहीं है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट उसी केस में चलता है सपोज़ अगर मान लिया सपोज़ बिल गेट्स की दो कंपनी है, एक माइक्रोसॉफ्ट दूसरी, दोनों में वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वहाँ पर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट काम कर जाता है। लेकिन अगर मान लिया शेयर होल्डर्स अलग हैं तो कई बार रेसिप्रोकल एग्रीमेंट काम नहीं करता है, क्योंकि अगर वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स दोनों कंपनी की एक है तो अगर किसी साइट में नुकसान होगा तो उसको नुकसान होने वाला है, तो वो दूसरी कंपनी से बोलता है कि भाई कोऑपरेट करो, और दूसरी कंपनी कोऑपरेट करती है। तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एक और तरीका है डेटा सिस्टम रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में की स्ट्रेटेजी में, लेकिन ये काम कम कर, ये मार्केट में ज़्यादा नहीं चलता है। इसलिए नहीं चलता है क्योंकि एक पार्टनर ही मिलेगा, दूसरी बात पार्टनर मिलेगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, दूसरी कंपनी जिसमें वही कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो आपको क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए,
जनरली नहीं हो पाएगा। और अगर दो कंपनी के हैं तो दो कंपनी अगर सेम सेक्टर की हैं तो कई बार कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए वो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट नहीं करती। ये तभी होता है जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर दोनों कंपनी का एक साथ हो, क्योंकि इनफॉर्मल टाइप ऑफ एग्रीमेंट होता है, एक ट्रस्ट होता है, तभी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट क्रिएट होता है।